मैं हूँ अब्दुल्ला मुस्तफ़ा और आज हमारे सेकेंड ईयर MBBS का लास्ट डे है, तो मैं अपने साथ दोस्तों से मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि वो कैसा फील कर रहे हैं लास्ट डे के ऊपर। I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. आज लास्ट डे है सेकंड ईयर MBBS का, तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को, कैसी गुजरी आपकी सेकंड ईयर? सेकंड ईयर अच्छी गुजरी है, पता ही नहीं चला वक्त गुजर गया। तो फिर आपको कॉलेज की तरफ से कितनी ब्रेक मिली है प्रॉफ की तैयारी के लिए? अभी तो प्री प्रॉफ है 15 दिन बाद, तो प्री प्रॉफ के बाद फिर हमने प्रॉफ के लिए तकरीबन 1 महीने से ऊपर का टाइम है, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी उम्मीद काफ़ी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल अभी शुरू से स्टार्ट करनी है, आज तक देखी नहीं है, वो भी करेंगे इंशाल्लाह, महीना का टाइम है तो पढ़ेंगे। वैसे सिलेबस इतना ज़्यादा तो नहीं है ना? सिलेबस ज़्यादा नहीं था, बस हमने इधर उधर टाइम ज़ाय कर दिए। ओके, बेस्ट कुछ मेरे और दोस्त भी बैठे हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि सेकेंड ईयर कैसे पास करनी है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेरोज। वालेकुम सलाम। यार बताओ ना मुझे, मैंने सेकेंड ईयर बिल्कुल तैयारी नहीं की, सारा साल मैंने यूट्यूब की वीडियोस बनाई हैं, आपको पता भी है, सारा टाइम वेस्ट किया है। अब मुझे पता चल रहा है कि पढ़ना चाहिए था, आप मुझे क्या कहना चाहेंगे, मैं कैसे तैयारी करूँ, कैसे बढ़ूँ? अपने पिछले साल की वीडियोस देख लो। यार वो तो टाइम वेस्ट है ना सारा मेरा, मैं क्या नहीं, उसके अंदर आपने टिप्स दी हुई तो है, पास्ट पेपर कर लो निकल जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मतलब पास्ट पेपर के साथ पास कर लूँगा सर इंशाल्लाह, निकल जाएगी। जी थैंक यू सो मच। और ये ओएसपी वगैरह के बारे में बता दें कि उसको मैं कैसे हो स्लाइड्स का मारेंगे रटा जी, जिस तरह कलर के हिसाब से याद कर लेंगे, कलर के हिसाब से ये नीली वाली जो है वो एडिपोज है। हाँ, ये इस तरीके से हम निकाल देंगे, कोई मसला ही नहीं है जी। ये मुझे लगता है पास होने में काफ़ी मददगार साबित होगा। हाँ, वाइवा के बारे में बता दें। वाइवा के ये है कि तैयारी अच्छी करके जानी है जी, मुँह की भी बाल बनवाने पड़ेंगे मुझे। बाल बनवाने पड़ेंगे, उन्हें प्रिंसिपल साहब बहुत ज़्यादा वाई वाले लेते हैं, बड़े हो गए हैं बहुत। अच्छा, उनको पता लग जाएगा तैयारी करके आए हैं, लेकिन तैयारी करके जाना है, अपनी पर्सनैलिटी पता चले। और ये न्यूरो एनाटॉमी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? न्यूरो एनाटॉमी काफ़ी ज़्यादा है और सिलेबस मुश्किल भी है काफ़ी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें इसकी? यार पास हो सके उतनी कर लो, नहीं याद होती भूल जाती है, बहुत गंदी है यार। बस ठीक है, मुझे लगता है मैं पास हो जाऊँगा। हाँ हो जाओगे, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच सर, 50 नंबर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है। भी बैठे हैं, मैंने इनसे नहीं पूछा था कि पास कैसे होना है, ये हमें बताने लगे हैं कि पास कैसे करना है। जी बताइएगा, सेकंड ईयर कैसे पास करें? मतलब सेकंड ईयर पास करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है, बस आपको कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हैं जी, और उनके नोट्स बना लेने हैं, और बस वही रिवाइज करना है। हाँ। पास बंदा हो जाता है, सिलेक्टिव करना है, ज़रूरी नहीं आपने हर मॉड्यूल करना है, बस कोई से 2-3 मॉड्यूल अच्छे से कर लें, बाकी ऐसे उनके पास पेपर वगैरह देख लें तो बंदा पास। क्या बात है बदर भाई ने बहुत अच्छी बात की है, वो कहते हैं अगर 50% नंबर लेने हैं तो 50% तैयारी करो। और ओएसपी और वाइवा भी होता है ना, तो उधर से मार्क्स भी आ जाते हैं, मतलब कि एक अच्छा मतलब सिस्टम बन जाता है। बिल्कुल यार, क्लैपिंग करो भाई, सारे क्लैपिंग करो। ओएसपी और वाइवा काफ़ी अच्छे मार्क्स देने के मतलब काबिल बनाते हैं आपको, तो फिर आप बताइएगा कैसे उनमें मार्क्स लें? वो बस ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल वाइवा देने जा रहे हैं, तो आप सामने वाले को बिल्कुल कॉन्फिडेंट जाएँ, और जो क्वेश्चन पूछें बस 2-3 पॉइंट आंसर दे देना है। हाँ ये बात, क्योंकि ज़्यादा आगे पीछे नहीं होना, बस जो पूछें वही फंसेंगे नहीं। सही हाँ, गुड यार। हाँ, लेकिन होता कुछ नहीं है, चाहे आप गलत आंसर दें बस सही दें, बस थोड़ा एक इत्मीनान और टाइम को ज़ाया करना है आप लोगों ने। टाइम होता है ना, वो आप कोशिश करें आराम आराम से जवाब दें, अगर आप तेजी से बताते जाएंगे तो उनको मौका मिलेगा वो और तेजी से क्वेश्चन करते जाएंगे। अगर आपको फिर भी बताना चल रहा हूँ, तो आपने बिल्कुल सामने मैम हो या सर उनकी आंखों में देखना है, वो हमेशा कोई ना कोई इशारा देते हैं, आप समझ जाएंगे कि क्या है। ठीक है ना, ये अच्छा था, वेरी गुड, ये कोई ना कोई पास जरूर हो जाएगा आपकी टिप्स से, ये बहुत बच्चे पास, मैं खुद भी ऐसे पास हूँ। थैंक यू सो मच।
अब मेरे साथ मौजूद है अहमद भाई, इनसे भी इनके ख्यालात का इजहार ले ही लेते हैं कि आखिर इनकी सेकंड ईयर कैसे गुजरी और तैयारी कैसी है और आगे का क्या सोचते हैं, ये बताइएगा। इंसान के बच्चों की तरह तैयारी करो, ये सारा झूठ बोला है, इस तरह कुछ भी नहीं होता। जो किताब पढ़ के जाएगा, जो सारे लेक्चर तैयार करके जाएगा, जितने सारे लेक्चर अटेंड किए होंगे, सारे ट्यूटर, सारे प्रैक्टिकल अटेंड किए होंगे, उसके अच्छे नंबर आएंगे। इस तरह के 50% वाले नंबर ना डॉक्टर फट्टे लगा के बैठे होते हैं 20-20 रुपए की पर्ची पे। फर्स्ट ईयर भी तो ऐसे पास किए थे ना उन्होंने। नहीं, अल्लाह करे ये आगे सारी ऐसे ही पास करे, हमें इससे इशू नहीं है, लेकिन ये गलत मशरे ना दे। ये बच्चों को पुट्ठा लेना तो लगा रहे। मतलब आप ये अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, आपका कहना ये है कि हमारी दुआ है ये बने। कुछ ना आता हो तो सामने देखकर आंसर ले सकता है। ओह, वो अब अपना जवाब दे रहे हैं, आप उसके जवाब में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इनका जवाब नहीं। अहमद भाई के कहने का मकसद ये है कि अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको पूरा पढ़ना होगा, सारे आपको मेरी गेम का बेड़ा गर्क कर दिया बेगैरत इंसान। चल उधर चल खेलने दे। ओके, अहमद भाई काफी गुस्से में है तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे छोड़ रहा हूँ और चलते हैं उस्मान भाई की तरफ। ये भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये अपनी तैयारी आप भी जरा दिखा दे, कौन सी तैयारी कर रहे हैं? पाकिस्तान को फैन में हराने के बाद ये खुद यहाँ पे आ रहे हैं। किसके साथ मैच है आपका? श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी हार जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं उस्मान भाई से। ये मौजूद है उस्मान भाई जो कि मेरे को-स्टार हैं, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में मेरे साथ आ चुके हैं। उस्मान भाई, ये क्या आपने पकड़ा हुआ है आपने? ये जनाब, ये बायोकेमिस्ट्री का जर्नल है जी, ये मैंने कंप्लीट कर लिया था। अच्छा। तो मैंने चेक कराने के लिए दिया हुआ था। हाँ। तो अभी मैं लेके आया हूँ, मैं से गया था कि अपना जर्नल कलेक्ट करने, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुड मिला हुआ है मुझे। क्या और मतलब इसके कितने मार्क्स होंगे आपके? इसके इंटरनल में नंबर लगते हैं। कितने नंबर? पांच नंबर होते हैं 30 नंबर होते हैं टोटल इंटरनल। सही। तो 30% उसमें से 5% इसके होते हैं। 5% मतलब आपने 5 ले लिए और 25 रहते हैं आप? हाँ, 25 रहते हैं वो फिर इंटरनल के साथ अटेंडेंस के साथ हर किसी। कैसी तैयारी के साथ? हर चीज़ तैयारी कैसी? तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ। बस अब कर रहे हैं, अब टाइम मिल चुका है हमें जी। 2 महीने जो ही आगे एक्सटेंड हो गए हैं ना, कुछ दिन एक्सटेंड हुए हैं, 2 महीने मिल गए हमें। कोई टिप्स देना चाहेंगे आप तैयारी के लिए? टिप्स बस आप, हमें आपसे टिप्स लेना चाहिए। जैसे आप पिछले साल आपने एंड पे आके बहुत कड़ी मेहनत की, चाहे आप पास पेपर पढ़े या जो भी, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई और पास भी हो गए। ओके, मतलब और इंशाल्लाह मेहनत करूं पास पेपर, इंशाल्लाह पास पेपर, और टाइम काफ़ी मिल चुका है अब हमें, तो इंशाल्लाह हम भी तैयारी करें, मिलजुल के तैयारी करेंगे इंशाल्लाह पास करेंगे, अच्छे नंबरों से पास करेंगे। थैंक यू सो मच उस्मान भाई। तो ये था हमारा सेकंड ईयर का लास्ट डे और अब हमें इसके साथ सेकंड ईयर को करना है हमने। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।